इतिहास में कैसे, कब और कहाँ क्या हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके मुख्य बिंदु हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया नक्शे तैयार करना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। 1817 में स्कॉटलैंड वेफ अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने स्थापित किया। तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का, अर्थात तीन खंडों में इसको बांटा। इतिहास ए ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। एक राजनीतिक दार्शनिक तथा अर्थशास्त्री भी था जेम्स मिल, जिसने एक किताब लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन कालखंडों में बांटा था। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश करते हैं, इसकी भी एक वजह है हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। तीन कालों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से राजस्व वसूल किया। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासकारों और फैसलों का पता लगाया जाता था। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या
उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इनके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। आइए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा, जिसका नाम था रेनेल को। इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण हैं? इतिहास में निम्न घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे राजा को कब ताज पहनाया गया, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुआ और किस साल वह कौन सी लड़ाई उसने लड़ी, कब उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1773 ईस्वी में था। भारत का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंट बैटन। जेम्स मिल कौन था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। उसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक किताब लिखी थी। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालों में बांटा? तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सही तरह से शासन चलने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके निम्न कारण थे। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। सर्वेक्षणों से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी कदम में अंग्रेजों ने जनगणना शुरू की और कई प्रकार के सर्वेक्षण किए। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को संग्रहालय तथा अभिलेखागार में सुरक्षित रखा था। तो भारत का नक्शा, अगला क्वेश्चन है, भारत का नक्शा बनाने वाला विभाग कौन सा है? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस शासन में हुई? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1803 में ब्रिटिश शासन में हुई थी। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। जनगणना किसे कहते हैं? या तो आप सभी जानते होंगे कि ब्रिटिश शासन से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनता से जुड़ी जानकारियों के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है और सभी नागरिकों की जनगणना या गणना की जाती है, जैसे कि जनगणना कहते हैं। पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता है? तो पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? तो औपनिवेशिक युग वह युग है जिसमें कोई देश किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है। भारत पर ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहलाता है। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो जनगणना में किस तरह की जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं? तो जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइए? तो यह लिखी जेम्स मिल ने। आगे देखिए कि सर्वे ऑफ इंडिया मिलान वाले क्वेश्चन हैं। सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय देहरादून, जनगणना जो होती है वह 10 वर्ष में होती है। दस्तावेजों को अभिलेखागार
में रखा जाता था। जेम्स मिल जो कि स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति था, वायसराय जो कि प्रथम व्यक्ति था, प्रथम वायसराय था माउंटबेटन। तो इस तरह के जो आपको जो पढ़ाया गया है, अध्ययन कराया गया है, मेरा उद्देश्य है कि इसमें आपको केवल मेन पॉइंट ही बताए जाएं, न कि फालतू के कुछ काम या बातें बनाई जाएं, और इसमें एक भी विज्ञापन नहीं दिखाई देगा आपको। सो गाइस, धन्यवाद।